हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल अरे भाई लेंसेज सो so, अब हमारा टॉपिक होने वाला है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज अब जैसे मैंने यहां पे lenses की जगह मिरर लग दी है एक्चुअल में में भी जैसा हमने मिरर पढ़ा है सारे साइंस वैसे ही सेम है lenses के बट द ओनली डिफरेंस इज द फोकल लेंथ तो पढ़ लेते हैं इसको साइन कन्वेंशन आर यूज एज सिमिलर फॉर स्पेरिकल मिरर्स बट द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव सो इसके भी सा, सारे मिरर जैसे सेम है बट द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कंकेव लेंस इज नेगेटिव लेकिन जब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो वो कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है और कंकेव लेंस की नेगेटिव अब बाकी जितना जो हमने मिरर में पढ़ा है सारे साइंस वैसे ही होंगे ठीक है अब यहाँ पे हमने देख लिया स्फेरिकल लेंसेज के साइंस अब हम बात कर लेते हैं आगे चल के हमारा जो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था इसी तरीके से हमारा लेंस फॉर्मूला भी है सो लेंस फॉर्मूले की अगर हम बात करें सो वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गए तो ये ध्यान रखना ये इधर उधर नहीं कर सकते वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ही रहेगा अब इसमें एफ हमारा क्या है फोकल लेंथ देन वी हमारा इमेज डिस्टेंस और यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसके बाद हमारे पास है मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम यहां पे v अपॉन u लेकिन जब हमने मिरर में पढ़ा था उसमें माइनस v अपॉन u था यहां पे प्लस v अपॉन u है तो ये ध्यान रखना है डिफरेंस जो है ठीक है अब एक बार जरा हम वैसे तो मैंने आपको बता दिया साइन सारे सेम है बट फिर भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगी तो उसको आगे ये हेल्प करेगा सेशन यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती है हमारे पास यू होता है वी होता है एफ होता है देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन हाइट ऑफ इमेज ठीक है ये हमारे पास सारी चीजें होती है यही सेम चीज हमें कनकेव लेंस में भी देखनी है सो यहां लिख देते हैं कनकेव लेंस एंड देन यही सेम चीजें हमें कन्वेक्स लेंस में भी देखनी है आप देखो जरा यहाँ पे एक बना लेते हैं रफ ये हो गया मेरा कन्वेक्स लेंस और ये हो गया मेरा कनकेव लेंस ठीक है सबसे पहले जब हम बात करेंगे u मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट हम इस तरफ प्लेस करते तो जब आप इसका डिस्टेंस मेजर करोगे अगेन अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं यहां पे इस तरीके से ये जो ब्लैक वाला है सो आपको पता है ये वाला पॉजिटिव ये वाली साइड नेगेटिव नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव विच मीन्स यहां की जब मैं बात करूंगी तो वो नेगेटिव होगा सो हमारे कन्वेक्स के केस में नेगेटिव कनकेव पे आ जाओ अगेन का्टिशन प्लेन इस तरीके से सो so यहाँ वाला नेगेटिव इधर वाला पॉजिटिव अगेन ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव ऑब्जेक्ट तो हम इसमें भी यहीं पे ही रखते हैं तो जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी नेगेटिव हो तो दोनों के केस में u हमारा नेगेटिव है नेक्स्ट हमारे पास है V मतलब इमेज का डिस्टेंस अब जब हम बात करेंगे कनकेव की तो इसमें हमारी जो इमेज बनती है वो एक ही तरह की बनती है वर्चुअल एंड एरिक्ट तो वर्चुअल एंड एरिक्ट मतलब यहीं पे इसी तरफ हमारी इमेज बनती है तो अगर इमेज हमारी यहां पे बन रही है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा अगेन नेगेटिव होगा सो कन्केव के केस में इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा कन्वेक्स के केस में दो टाइप की इमेज बनती है एक तो हमारी वर्चुअल एंड एरैक्ट अच्छा ये मैं बार बार ऐसे बोल रही हूं प्लीज लाइन वाइज बढ़ते हुए ना अगर आपने पढ़े होंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऐसे नहीं लगा मैम ऐसे ही बोले जा रही है में किसी में रियल था और एक में हमारा वर्चुअल एनरिक भी था तो इसीलिए सो so, वर्चुअल एनरिक इस तरीके से और रियल एन इन्वर्टेड इस तरीके से तो अगर तो वर्चुअल एनरिक बन रही है तो लेंथ नेगेटिव so, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में ही लिख रही हूँ वर्चुअल है तो नेगेटिव अगर रियल बन रही है अगर हमारी रियल और इमेज बन रही है सो so जब इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव सो so ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है समझ में आया देन है फोकल लेंथ जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं सो कंकेव की अगर हम बात करें आपको याद होगा क्या होता है इस तरीके से एक रे आई एंड देन वो यहां पे इस तरीके से चली जाती है बट एक्चुअल में पीछे वो फोकस पे मीट कर रही होती है सो दैट मीन इसका फोकस हम इधर लेते हैं हमेशा कौन सी साइड है ये इसको अगर आप नापोगे तो ये नेगेटिव साइड है मतलब हमारा कनकेव के केस में नेगेटिव है और वही अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है रे ऑफ लाइट आई एंड देन फोकस से पास हो गई इधर से भी अगर पार्लर आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी मतलब फोकस कहाँ लेते हैं हम इस तरफ पॉजिटिव साइड तो जब आप इसकी लेंथ नापोगे तो वो पॉजिटिव होगी सो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है ये तो अभी हम लाइन पढ़ के भी आए थे अपनी देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट की हाइट की बात करें तो देखो इस केस में भी हम ऑब्जेक्ट यही रखते हैं इस केस में भी ऑब्जेक्ट यही रखते हैं तो जब आप इसकी हाइट मेजर करोगे तो इस एक्सेस से करोगे मतलब पॉजिटिव इधर हाइट मेजर कर लो तो भी पॉजिटिव मतलब दोनों केसेस में ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा अब बात कर लेते हैं हाइट ऑफ इमेज अच्छा ये बहुत सारा वो हो गया इसको रब करके यार अब क्या करना नीचे एक नए बना लेते हैं ये हमारा हो गया कन्वेक्स और ये हमारा हो गया सो तो हम, तो और और तो तो हम कैसे मेजर करेंगे यहाँ पे हाइट मेजर करेंगे मतलब इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे अगर हम मेजर करें तो ये कौन सी है पॉजिटिव है विच मीनस अगर तो वर्चुअल बन रही है सो हमारा पॉजिटिव होगा अच्छा यहाँ पे ना इसको मैं डॉट करके लिख देती हूँ वरना वो ऐसे लगेगा नेगेटिव पॉजिटिव लिखे ठीक है तो अगर वर्चुअल इमेज बन रही है कन्वेक्स के केस में तो पॉजिटिव होगा अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है सो तो इसकी जब हम हाइट नापेंगे तो कहां जाएगा नेगेटिव साइड पे सो तो ये हो जाएगा अच्छा रियल यहाँ पे लिखना है रियल है तो नेगेटिव ठीक है एंड अगर हम बात करें अपने कंकेव की सो इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल एंड एरेक्ट बनती है सो so, वर्चुअल एंड एरेक्ट अगेन अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये कहाँ जाएगा ऊपर पॉजिटिव साइड पे तो ये आएगा पॉजिटिव ठीक है सारे सेम है सिर्फ हमारा जो फोकल लेंथ है उसका डिफरेंस है बट स्टिल मैं चाहती थी आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ठीक है तो इस सेशन में हमने साइन कन्वेंशन देख लिया अपना मिरर फॉर्मुला पढ़ लिया मैग्निफिकेशन पढ़ लिया अब हम जाएंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स पे सो लेट्स सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स